अक्सर पहलवानों के कान देखकर आपके भी दिमाग में यही चीज आती होगी कि क्या ये कान कुश्ती के अखाड़े में तोड़े जाते हैं या फिर पहलवानों के कानों में हड्डी ही नहीं होती। दरअसल पहलवानों के कान अलग ही दिखते हैं और इसके पीछे जो रहस्य है वो ये है कि उनके कान तोड़े नहीं बल्कि टूट जाते हैं और ये एक प्रक्रिया है। दरअसल अत्यधिक परिश्रम करते समय शरीर का तापमान एक विशेष स्तर पर पहुँचने पर आपके कान पर लगा हल्का सा हाथ भी आपके रक्त कोशिकाओं को फाड़ सकता है और आपके कान की हड्डी को तोड़ सकता है। मान लो कि जब भी पहलवान कुश्ती करने के लिए अखाड़े में उतरता है तो जैसे ही उसकी बॉडी गर्म होना चालू होती है तो सामने अगर ओपोनेंट उसके कान पर हाथ मार दे या फिर घुटना लग जाए या फिर उसको पटकी देता है तो ऐसे में उस टाइम पर कान की हड्डी टूटना संभव है। और आपको बता दें कि कान में खून भर जाने से कान की बनावट में बदलाव आ जाता है, लेकिन पहलवान इसका इलाज नहीं करवाते और वो इसलिए क्योंकि इलाज के बाद ये फिर टूट सकते हैं, लेकिन टूटे रहने पर इनमें कोई भी समस्या नहीं होती और अंग्रेजी में तो इन्हें कॉलीफ्लावर ईयर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।